राहुल गांधी की सरकार ने 35 साल राज किया, कभी दिए के 100 रुपए गरीबों को दिए है? 100 रुपए गरीबों के खाते में डाले अभी आपने देखा है कभी? 35 साल से कांग्रेस ने राज किया, 35 साल में एक बार भी किसी को 50 रुपए किसी के खाते में डाले नहीं डाले। लेकिन हमारे मोदी जी ने करोड़ों आदमी को 500 दिए, महिला को 1200 अभी दे रहे हैं। जी का काम ऐसा है, जो राम मंदिर बनवाया उनने, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर रहेगा वो, यूं समझ लो यहाँ से लेके तो चांद तक जो उनने भिजवाया है मिशन, वहाँ भी राम मंदिर बनवाएंगे वो। अच्छा। हाँ, और यहाँ भी अपना राम मंदिर बनाया है। टेम में जो किया है उनने, अपना कमलनाथ तो भग गया था यहाँ से, जैसे ही सरकारी, जैसे ही लॉकडाउन आया, देखा उनने कोरोना चल रहा है सभी की ठुकी पर, ये वो तो भगे यहाँ से। फिर अपने मामा जी आए, उन्हीं ने तो संभाला है पूरा दिल्ली के आके। बीजेपी सरकार ने जो काम किया है वो आज तक किसी ने किया है सर, और कोई कर भी नहीं सकता ये। अभी अपना मोदी जी आएगा तो ओगी जी आएगा, ओगी जी जाएगी तो शिवराज सिंह आएंगे, अमित शाह आएंगे, सब ऐसे ही वाट लगाते जाएंगे, कांग्रेस की तो वाट लगा देंगे भाई। काम क्या किया है? काम तो इतना किया कि आपको गिना नहीं पाएंगे। गिना दो हमारे साथ, बताए कितने पुल बने हैं, कितने नाले बन गए हैं, कितनी सड़कें बन गई है, कितने गरीबों की अच्छा हो गया है, कितनी गरीबों को ऐसी ऐसी योजना मिल गई है भाई के जो कांग्रेस के राज में किसी को मिली ही नहीं है। हाँ, कुछ नहीं किया था कांग्रेस ने, किया होगा उनने, लेकिन उनकी पार्टी पार्टी वालों को क्या होगा, अमीर को अमीर बनाया होगा, गरीब को गरीब बनाया होगा। अच्छा, विकास की बात करें, की सरकार ऐसी थी भाई कि खुद खाओ और दूसरों को भी खाने दो। अपने मोदी सरकार ऐसी नहीं है, जो हक्का है वही खा सकता है, दूसरा कोई नहीं खा सकता कुछ भी। जिसको मोदी आगे उसको उसका हक मिलके रहेगा। मोदी ने जो महंगाई बढ़ाई है उसका क्या? अरे महंगाई बढ़ाई है भाई तो लॉकडाउन में गरीबों को बचाने के लिए, गरीबों से महंगाई खींच रहे हो और गरीबों में बांट रहे हो, अमीरों से खींच रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हैं। गरीबों के लिए कितना कुछ सोच रही है? बहुत सोचा भाई, अभी तो हमने योजना उनकी देखी ना, आपको बता नहीं सके कि इतनी योजना हुए, भले हम पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फिर भी हमको दिख रहा है कि मोदी जी जो काम कर रहा है अभी तक वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया है, वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। मोदी जी का काम ऐसा है, जो राम मंदिर बनवाया उनने, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर रहेगा वो, यूं समझ लो यहाँ से लेके तो चांद तक जो उनने भिजवाया है मिशन, वहाँ भी राम मंदिर बनवाएंगे वो। अच्छा। हाँ, और यहाँ भी अपना राम मंदिर बनाया है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा राम मंदिर रहेगा अपने। और मोदी जी जो काम कर रहे हैं भाई, अभी बोले हम आपको, कोई वर्ल्ड में कोई ऐसा नेता नहीं ये कर सकता है। राहुल गांधी है कहते हैं भ्रष्टाचारी है मोदी। राहुल गांधी तो भरे संसद में यूं आंख मार रहे, यूं आंख मार रहे राहुल गांधी तो भरे संसद में, क्या मतलब हुआ इसका? सुनाओ आप हमको, अब बताओ आप, बड़ी पार्टी मुझे किस बात से, इतनी बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं वो, नहीं लग रहा उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, हमको तो नहीं लग रहा, जो बड़ी सभा में आंख मार के बात कर रहे हैं तो वो तो कुछ ना कुछ पेट में चल रहा है ना उनका, तभी आंख मार रहे ना। आप इतने दिन से मध्य प्रदेश में है, यहाँ का विकास कैसे देखते हैं? यहाँ का विकास तो नंबर वन है भाई, अपना इंदौर पूरे इंडिया में नंबर वन पर आ रहा है, स्वास्थ्य अभियान में हर चीज में सब सब, गरीबों की भी व्यवस्था अच्छी हो रही है, रोडें भी अच्छी बन रही है, सड़कें भी अच्छी बन रही है। यहाँ की जो अपनी यहाँ की कैपेसिटी थी वो इंदौर की भाई यहाँ आ गई है ना, जब से मोदी जी आए ना इंदौर नंबर वन पे चला है हर चीज में। अच्छा, सरकार ने काम किया है नंबर वन पहुँचाने, नंबर वन कर रही है सरकार तो मोदी जी की। जो मामा ने जो वादे किए हैं वो पूरे हो पाए? आधे तो कर दिए, आधे और हो गए भाई धीरे धीरे। अब वो जब 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 मामा का पावर और थोड़ा बढ़ेगा, अभी जितना पावर है उतने पावर में कर रहे हो, फिर उसको अगर 100% पावर मिल जाएगा फिर देखो मामा क्या क्या करते हैं। मामा जो योजनाएं लेकर आए हैं आपको क्या लाभ हुआ उनसे? आपके पास पहुंची कोई योजना? बहुत योजना पहुंची भाई अपने पास, जैसे जैसे अपन अभी सरकारी लोन है उन्हें जैसे हो रही है, सभी सरकारी योजना है जो अपने खाते है अस्पतालों में है, जो कोरोना के टाइम में जो किया है उनने, अपना कमलनाथ तो भग गया था यहाँ से, जैसे ही सरकारी जैसे ही लॉकडाउन आया, देखा उनने कोरोना चल रहा है सभी की ठुकी पर, ये वो तो भगे यहाँ से। फिर अपने मामा जी आए, उन्हीं ने तो संभाला है पूरा दिल्ली के आके, पूरे कोरोना के टाइम में जब सरकार जब पब्लिक मर रही थी यहाँ पे, तब मामा तो भाग गए, ओ कमलनाथ तो भाग गए, सॉरी अपने मामा ही आके उनने ही संभाला पूरी MP को, उनने ही संभाला भाई पूरे मध्य प्रदेश को। और अपने लेकिन कमलनाथ फिर से आने की बात कर रहे हैं, लाएंगे दोबारा? नहीं नहीं, हम तो नहीं ला सकते भाई, अपने मामा जैसे भी है नंबर वन मामा शिवराज सिंह चौहान, अपने मामा नंबर वन आएंगे, वो फिर से बनेंगे, फिर से आएंगे और उनको आना पड़ेगा और हम लाएंगे उनको। अच्छा, और अगर देश की बात करें तो प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? मोदी जी बनेंगे भाई, बन जाएंगे मोदी जी। तो गरीबों के लिए जो योजनाएं लाते हैं वो पहुंच पाती है नीचे तक? अरे अभी तो देखो आप आराम से पहुंच रही भाई। हाँ। वो हम क्या बोले, वो वाला राज खत्म हो गया कांग्रेस वाला के, खुद खाओ और इनको भी खाने दो। हाँ। जो जहाँ पकड़ रहे किसी को, कोई गलत काम कर रहा है उसको पकड़ रहे, उसको दे दिया चिपका दिया, लो भैया अभी वो वाला बंद हो गया भाई। हाँ। मोदी जी नहीं है, मोदी जी डायरेक्ट वहीं चलो, सबका विकास हो रहा है। अभी तुम्हारा कोई चैनल काट रहा है कोई आदमी, अब वो आधे से ज्यादा तो घर में खा जाते हैं, अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी तो कैमरे से चैनल कट जा रहे, घर पे चैनल आ जा रहे, सीधे जाओ। मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, हुआ ही है? हुआ है। हाँ। आपको नहीं दिख रहा है भाई?
इतने पले वले सिटी विटी मेट्रो ट्रेनें चल रही है, इतनी नई ट्रेनें चल गई, इतनी ज्यादा योजनाओं आ गई है बढ़िया बढ़िया, उससे रोजगार मिला है, रोजगार मिला है उससे बहुत। और जो इतना बड़ा गठबंधन बना लिया है विपक्ष वालों ने, सब एकजुट हो गए हैं, क्या लग रहा है मोदी पर भारी पड़ेंगे? देखो भाई बात सुनो मेरी, इससे ज्यादा बड़ा गठबंधन कोई बना लेगा ना तो धर्म को कोई नहीं हरा सकता भाई, क्योंकि मोदी जी धर्म लेके चल रहे हैं। योजना आपकी नजर में, आप खाली 500 रुपए मोदी जी ने देखे है वो देख रहे हो आप, लेकिन आपकी नजर में यो नहीं देख रहे हो कि कितने करोड़ आदमी को दिए है, कितने गरीबों को दिए है। आप इस तरीके से देखोगे तो हजारों करोड़ रुपए हो जाएंगे सर, वो हजारों करोड़ रुपए जो अभी तक आज कोई भी सरकार ने आज तक ऐसा कभी दिया नहीं है। कभी कोई राहुल गांधी की सरकार ने 35 साल राज किया, कभी दिए कि 100 रुपए गरीबों को दिए है, 100 रुपए गरीबों के खाते में डाले? अभी आपने देखा है कभी 35 साल से कांग्रेस ने राज किया 35 साल में एक बार भी किसी को 50 रुपए किसी के खाते में डाले? नहीं डाले। लेकिन हमारे मोदी जी ने करोड़ों आदमी को 500 दिए, महिला को 1200 अभी दे रहे हैं, महिला फ्री में फ्री मोबाइल मिल रहे हैं। कोई अपने अपने जैसे अपनी बहन है, अब जैसे उनकी पढ़ाई उनका खर्चा, उनको एक्टिवा लैपटॉप मोबाइल फोन, उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनकी शादी का खर्चा, अभी गरीबों का कौन दे रहे? मोदी जी तो करवा रहे भाई, सब अपने मामा ही तो करवा रहे, नहीं तो अमीरों तो उनकी शादियाँ बढ़िया 100-100 करोड़ में कर रहे हैं। लॉकडाउन में भी 500 करोड़ की शादी हुई थी, आपने भी देखा होगा। और गरीबों तो यार भैया 2 लाख में शादी हो जाती गरीब की, लेकिन मोदी जी ये सब देख के चल रहे हैं, अमीरों को गरीबों को सबको एक समान देख के नहीं चल रहे हो, अमीरों को अलग निकाल रहे, उनसे ज़्यादा टैक्स ले रहे, गरीबों को सब व्यवस्था करके चल रहे आराम से। कोई ऐसा वो नहीं है भाई गरीब कि जिसको मोदी जी की योजनाओं से कोई एतराज होगा, भले आप किसी से भी पूछें।